झुमरी तिलैया के आर्यन हॉस्पिटल में सोमवार को ईएसआईसी कार्डधारियों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा का उद्घाटन श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वैसे मजदूर जो कि मजबूर हैं, जिसके पास पैसा नहीं है, कोई संसाधन नहीं है और हर प्रकार से पीड़ित हैं, तथा जो मजदूर निबंधित हैं वैसे मजदूरों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में कुल 8 जिलों को इसके लिए चिन्हित किया गया है, जिसकी शुरुआत कोडरमा से की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार का लक्ष्य है कि किसी भी व्यक्ति को इलाज के अभाव में मरने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत सिर्फ चिन्हित बीमारियों का ही नहीं बल्कि हर प्रकार के बीमारी का मुफ्त इलाज किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत हम मजदूरों के बच्चों को छात्रवृत्ति भी देंगे तथा नवजात शिशु को छठियारी में 15,000 रुपये। इसके अलावे अगर किसी मजदूर की दुर्घटना में मौत होती है तो उसे 50,000 रुपये देने के साथ साथ दाह संस्कार के लिए 10,000 रुपये तथा ब्रह्मा भोज के लिए 25,000 रुपये दिया जाएगा। वहीं कंपनसेशन के तौर पर 1,00,000 रुपया भी दिया जाएगा। इसके अलावे अगर मजदूर के साथ किसी दूसरे राज्य में अप्रिय घटना घटती है तो उसे कंपनसेशन के तौर पर 4 से 5 लाख रुपये दिए जाएंगे। वहीं अस्पताल के संचालक डॉक्टर प्रवीण कुमार ने कहा कि इस योजना के तहत हमारे यहाँ निबंधित मजदूरों के लिए फिलहाल सर्जरी, मेडिसिन, प्रसूति एवं बाल चिकित्सा से संबंधित उपचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा जो जिम्मेदारी के रूप में यह सुविधा हमारे अस्पताल को दी गई है, उससे मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराने का प्रयास किया जाएगा। मौके पर बरही के विधायक उमाशंकर अकेला, राजद नेता सुभाष यादव, राजद कोडरमा जिला अध्यक्ष रामधन यादव, कांग्रेस कोडरमा जिला अध्यक्ष मनोज सहाय पिंकू, भाजपा जिला उपाध्यक्ष शिवेंद्र नारायण सिन्हा, अरशद खान, डॉक्टर नीरज साहा, डॉक्टर शरद कुमार, डॉक्टर सौरभ कुमार, उपेंद्र सिंह, कमलेश कुमार कमल, अज्जू सिंह, राजकुमार यादव, सरफराज अहमद, मनोज यादव, बिट्टू सिंह, अमर सिंह, विकास सिंह, जयराम, मानसी राणा, रोजलिन एक्का, रतन स्वर्णकार, सनातन कुमार, विकास कुमार, राजीव शुक्ला, निवास कुमार, महेंद्र राम, पिपराडी मुखिया धीरज कुमार, वीरेश्वर सिंह समेत अस्पताल के कई कर्मी उपस्थित थे।